दोस्तों अभी हम आ चुके हैं प्रतापगढ़ जिले में एक छोटे से गांव में, जहां पर एक टीचर रहते हैं और अपने दूसरे के मोबाइल से आज अपने YouTube फैमिली पर 40,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं यही है इनका कोचिंग सर्कल, और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और आपको टीचर से मिलवाता हूँ कि YouTube से आज 50,000 से ज़्यादा कमाते हैं अपने YouTube चैनल से, और ऑनलाइन कोर्स बेचकर यहाँ पे 20,000 से रुपये से ज़्यादा कमाते हैं। तो हमारे गुरु जी हैं, नमस्ते सर। खुश रहो। तो सर, आपने जब अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो किस मोबाइल से स्टार्ट किया था? मोबाइल रेडमी 6 से। क्योंकि यहाँ पर जब लोग YouTube पर आते हैं तो पहले यही देखते हैं कि पहले मेरे पास अच्छा सा फ़ोन होना चाहिए। आपके पास फ़ोन भी नहीं है, तो आप किस चीज़ से स्टार्ट किए थे और कौन सा आपका फ़ोन था? हमारा फ़ोन नहीं था, हमारे छोटे भाई का था। हमारे पास कीपैड था, हमारे छोटे भाई के पास था फ़ोन, क्या कहते हैं, रेडमी 6A। वो भी घर पर पड़ा होगा, हमारी बिटिया उसमें कार्टून देखती है। जी सर। और सर, हमारा एक क्वेश्चन था कि लोगों के मन में यही रहता कि जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं, तो जब YouTube चैनल पे आते हैं कि पहले यही सोच लेते हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये बनता कि अब यार जैसे 2-4 वीडियो अपलोड करने के बाद तो अब लोग और गाँव वाले क्या बोलेंगे। तो जब आप अपना स्टार्टअप किए थे तो क्या सोच कर किए थे कि हमारा YouTube फैमिली आज 40,000 का YouTube फैमिली होगा कि नहीं होगा? हाँ, हमने सोचा था कि हमारा वीडियो जाएगा, लोग देखेंगे। हमको विश्वास नहीं था कि हमको YouTube से पैसा मिलेगा। वाकई में अभी भी हमारा जो पहला पेमेंट है, जो $111 आया हुआ था YouTube की तरफ से, हमारे भाई का अकाउंट लगा था ग्रामीण बैंक में, उसमें $111 आया था, लेकिन अभी तक हमारे खाते में नहीं आया। लेकिन उसके बाद हमारे पास कई बार पैसा आ चुका है YouTube के माध्यम से, अभी भी आया है, इस महीने भी आएगा। और लेकिन पहला पेमेंट तो नहीं आया है, अभी भी खाते में नहीं आया है। कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, पता नहीं क्या है, 8-9 हज़ार रुपया चला गया जाने की चीज़ को। सर, हमारा तीसरा प्रश्न है सर, चैनल खोलने का आपका कोई माध्यम होगा कि आप चैनल क्यों खोलना चाहते थे? आप तो ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो ऑनलाइन में कहाँ से आप सोचे कैसे या खोलना है? देखिए, चैनल हम बहुत लोगों को देखते थे, यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, जैसे सब लोगों को देखते थे, हमने सोचा हम वो डालें। डालते गए, पहले जो आप बोया का माइक लिए हुए हैं, यो नहीं था हमारे पास, तो आप बिना माइक के काम किए, मोनेटाइजेशन तक हमको लगता है हमारा माइक नहीं था, हमको लगता है हमारे पास माइक वगैरह नहीं। सर, आपको 1K सब्सक्राइबर और 4,000 घंटा कितना साल लगा? साल लग गया था कि आपके 2-4 महीने में हो गया था? 6 महीने से ज़्यादा लगा होगा, इससे कम नहीं लगा, 6 महीने ज़्यादा। 6 महीने ज़्यादा लगा। सर, आपका YouTube पेमेंट कितना दिन बाद आया था? वही 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, उसमें ये होता है कि मोनेटाइज होना बड़ी बात नहीं होती है, मोनेटाइज तो हो जाता है। हमारा एक चैनल होने वाला है, एक चैनल और हुआ है। लेकिन शुरुआत में 58-54 आता है, 58-54 का मतलब समझ रहे हो, जैसे 1 रुपए में 58-50 पैसा हुआ ना, 54-25 पैसा हुआ। डॉलर में आप समझ लीजिए, डॉलर का 1/4, 0.20, 0.10, 0.15 ऐसे ऐसे पैसा आता था। लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया, ये जब वीडियो कुछ वायरल भी हुए उसके बाद पैसा आने लगा। और सर, इस प्रेजेंट टाइम पे आप कौन से फ़ोन से यूज कर रहे हैं? जैसे आपका ये समय है तो आप दिखा दीजिए हमारे ऑडियंस को। कौन सा फ़ोन है ये हमारे पास? मैंने इसको लिया था। यस सर, क्योंकि YouTube पर आते हैं सभी लोग पहले यही सोचते हैं कि हमारे पास ब्रांडेड फ़ोन होना चाहिए। ये हमारे पास फ़ोन है। कौन सा फ़ोन है सर, आप थोड़ा दिखाइए हमारे ऑडियंस को। ये फ़ोन है Redmi 9। तो गाइस, आप देख सकते हैं Redmi 9 फ़ोन से आज 40,000 सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं और अपना YouTube ऐप बनाए, ऐप से आप लोगों को पढ़ाते हैं और आज कोर्स बेचकर डेली 1-2 हज़ार रुपये कमाते हैं ना सर? डेली बता रहे हैं, अगर महीने के 30 दिन होता है 30,000 रुपये कमाते हैं, उससे कम तो नहीं। 30-40 जब पेपर स्टार्ट हो जाता था तब और कमाते कभी कभी 5-5 हज़ार भी हो जाता है, लेकिन रोज नहीं हो। देखिए, इस मोबाइल से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ और हमारी एक खासियत है कि मैं जब भी इन बच्चों को पढ़ाता हूँ, कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन भी लेते हैं, दिखा दीजिए, ये बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ और बच्चे नहीं आए हैं आज नहीं आए हैं, और तो ये लोग कहते हैं सर आज मत रिकॉर्ड करिए, क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड करने लगते हैं तो लोगों को डांटते हैं कि बोलना मत, नहीं बहुत मारेंगे। दो स्टैंड है, एक स्टैंड ये है, दिखा दीजिए, एक स्टैंड ये है, इस पर ये वाला घर पे होगा क्योंकि इस समय लाइट नहीं दे रहे हैं। एक साथ 4-4, 5-5 काम करते हैं। जी सर, एक होता है कि मैं ऐप से लाइव भी पढ़ा रहा हूँ, एक होता है लोगों को भी मैं पढ़ा रहा हूँ, एक होता है इन लोगों को वीडियो भी मैं दे रहा हूँ। जी, समझ रहे हैं, इन लोगों को जो वीडियो दूंगा, इन लोगों को जो पढ़ाऊंगा उसका वीडियो भी बनेगा। यस। और बाकी बहुत सारे बच्चे लाइव में कहते हैं सर हमको लाइव पढ़ा दीजिए, बहरहाल इस समय थोड़ा बंद है, बाकी शाम सुबह चलता है घर पे चलता है लाइव, इसीलिए 2 स्टैंड रखे। सर, आपके परिवार में जितने लोग हैं क्या सभी यूट्यूब पे काम करते हैं कि सिर्फ आप?
अकेले हमारे यहाँ हमारा भाई है, उसका 1K सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। हमारा खुद का 3-4 चैनल है, सबके 1K सब्सक्राइबर पूरा। तो गाइस आप समझ सकते हैं, सर का एक चैनल नहीं है, 4-4 चैनल चलाते हैं और पूरा यूट्यूब से ऑनलाइन पैसा कमाते हैं। जितना लोग बाहर जाके पैसा कमाते हैं उतना सर घर बैठ कर लोगों को पढ़ा कर और अपना यूट्यूब चैनल से पैसा कमा रहे हैं। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब पर कितना पैसा है। सर आप जरा ऑडियंस को बताइए कि यूट्यूब पर पैसा है कि नहीं है। पैसा बहुत है, जिसको खींच पाना है खींच ले। लोग पैसा तो उड़ रहा है, पैसा उड़ रहा है, जिसको पकड़ पाना है पकड़ ले। जैसे बहुत सारे लोग हम पकड़ रहे हैं थोड़ा, बहुत सारे लोग आते हैं शुरुआत में 2-4 दिन वीडियो डालेंगे, उसके बाद कहेंगे ऐसा है, दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है, यूट्यूब पे पैसा बहुत है, इतना पैसा है, सरकारी नौकरी नहीं है पैसा उतना। सर अभी तक यूट्यूब मनी से आप कुछ लिए हैं कि नहीं लिए हैं? यूट्यूब मनी से यस सर, 2 कमरा बनवाए हैं। तो गाइस आप समझ सकते हैं कम से कम एक कमरा बनवाने में 5 लाख रुपए लगता है। 2 कमरा बना चुके हैं यूट्यूब के पैसे से, ऑनलाइन पैसा से। तो आप समझ सकते हैं 2 कमरा बनवा चुके हैं। और सर क्या किए हैं? अरे मोबाइल लिए हैं, बैंक बैलेंस है, बाकी टेंशन मुक्त सबसे बड़ी बात है। टेंशन मुक्त पहले ही लोग जो ये लोग आते हैं, कभी कभी पैसा मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता, सही नहीं। जैसे आज हमको पटेल जी 500 रुपया दिए हैं और हमारे वो सुमित जी 500 रुपया दिए हैं, ऐसे 500-1000 रुपया लगभग मिलता रहता है 1-2 दिन बाद। तो एक हेडेक होता है, पहले होता था फाले किसकी फीस बकाया है, डायरी रखते थे, डायरी रखी किसी फीस इसमें चढ़ी नहीं है, कौन दिया है कौन नहीं दिया हमको खुद नहीं मालूम, सब लोग ईमानदारी फीस देते हैं डायरेक्ट, कोई झूठ नहीं बोलना है। हाँ मांगते रहते हैं हम भी कि ताकि भाग लेना पाए लोग, बाकी मिलता रहता है पैसा। हेडेक दूर हो गया सबसे बड़ी बात, पहले होता था कि पैसा आप देंगे ऑफलाइन बच्चे देंगे तभी हमारा खर्च चलेगा, तभी हमारी मोटरसाइकिल में तेल आएगा, अपने घर के लिए कुछ ले जाएंगे, कुछ खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे। लेकिन अब वो टेंशन दूर हो चुकी है कि हमको पैसा जबरदस्ती या किसी को प्रेशर देके नहीं मांगना पड़ता है। तो आते हैं लेकिन ऐसा नहीं, अब ये टेंशन नहीं रहता कि पहले दूसरे से घर से पैसा मांगना पड़ता था। अब जब से आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो पैसे की दिक्कत नहीं रहता ना सर? पैसे की दिक्कत नहीं रहती है, सच्चाई है कि देखो पहली बात तो कुछ ना कुछ हमारा एडसेंस से पैसा आ जाता है, कोर्स लोग लेते हैं 1000-2000 रुपया आ जाता है, कभी कभी 5000 आ जाता है, लेकिन हर पर डे 5000 नहीं आता है, यही बात है। लेकिन आने वाले समय में हमारा उद्देश्य बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा करने का, ऐसे ही ऑनलाइन ही एक ही कमरे में, इसी कमरे में इसी कमरे से बड़ा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन हम खड़ा कर सकते हैं, खड़ा कर दिए हैं। कॉमर्स का एक बड़ा चैनल बन चुका है, 40,000 सब्सक्राइबर गेन करना वो भी एक स्टडी चैनल पे बहुत मुश्किल होता है, और एक गांव में होकर वो भी कॉमर्स का। यस सर, क्योंकि यहाँ पे हमारे गाँव में कोई भी कॉमर्स का ऐसा स्टूडेंट नहीं है, मतलब जो ऑनलाइन पढ़ना चाहता हो, पर वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग बहुत कम मिलता होगा। भाई लोग हैं आप थोड़े कमेंट दिखाइए भाई, और कोई कोचिंग है कि जहाँ पर ऑफलाइन पढ़ा जाता हो? बहुत कम ही मिलता होगा, क्योंकि हम भी कॉमर्स स्टूडेंट हैं और इस बार मेरा बीकॉम थर्ड ईयर है, मैं भी पढ़ता हूँ पर मैं कोचिंग नहीं करता हूँ। मेरा यहाँ पर 4 साल बीत गया है, थर्ड ईयर है, मैं कोचिंग अभी तक नहीं किया हूँ, ऑफलाइन पढ़ता हूँ। और सर से मैंने कोर्स लिया है और सर से ही सर का चैनल देख के पढ़ता हूँ, और जब से मुझे सर से बारे में पढ़ता चला है, जब तो मैं यूट्यूब पर सर्च करता था, सर का ही वीडियो देखकर आज मैं यहाँ पर आया हूँ। और सर से मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा कि सर ने मुझे बुलाया यहाँ पर, इतना सम्मान दिए। तो सर हमारे ऑडियंस के क्या कहेंगे आप? आपके ऑडियंस के लिए कहेंगे कि यूट्यूब पर आने का मतलब आप कोई काम साइड में करते रहिए, इस काम को भी करते रहिए, ठीक है। इस काम को करने में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। यस, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्वालिटी लाइए। हम जब हमारा चैनल चल गया तो आप लोगों का चैनल बहुत आगे जाएगा। तो हमारा चैनल बहुत एक नहीं है, एक है आर के मौर्या ऑफिशियल नाम से, आर के मौर्या कॉमर्स क्लासेस, आर के मौर्या क्लासेस, 3-4-5 चैनल हैं, लेकिन 3 चैनल हमारे लगभग मोनेटाइज हैं, पैसा भी जाता है, ऐसा नहीं है। तो गाइस जितने भी स्टूडेंट है, अगर आप एक स्टूडेंट है तो अपना साइड में कुछ काम करते रहिए, क्योंकि भाई घूमने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा तब तक कोई नहीं पूछेगा, ये सही है कि नहीं सर जी? बिल्कुल, पैसा नवाब बड़ा भैया सबसे बड़ा। हाँ, इसीलिए भाई आप लोग भी यूट्यूब चैनल बना लीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़े कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पर आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है। अगर आपको एक कहीं कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पे 500-1000 रुपये देने पड़ता है। 700-800 रुपये का। यस यस, लोग वही पढ़ने के लिए हमारे यहाँ बच्चे आए हुए हैं, लोग थोड़ा नज़दीक से हैं, जैसे हमारे पटेल जी आए होंगे साइकिल चला करके, यादव जी आए होंगे बहुत साइकिल चला कर, बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे हमारे अक्षत गुप्ता जी KTM से आए हैं। यस, इनके तो 500 रुपये फीस क्या है? 200 रुपये तेल का। 200 रुपये तेल लगे, 200 का है एक महीने फीस, 500 एक महीने तेल कितने लगे हो KTM से चिल्बिल अस्पताल में? दिखा, 1000-2000 लगेगा ना। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि घर सब घर वाले पैसा नहीं दे सकते ना सर जी? जो कोर्स मैं देता हूँ वो गारंटी के साथ अभी भी मैं कहता हूँ, अभी YouTube पर ना तो किसी ऐप पर,
वो कोर्स अभी नहीं मिल रहा है, आने वाले समय में मिलना लगे बात अलग है। बड़ी संस्थाएं दे रही होंगी लेकिन हम छोटे से गांव से हैं, ये सब गांव शहर छोटे शहर से बच्चे हैं और पढ़ते भी हैं, और जो लोग हमारे यहाँ पढ़ते हैं इनको भी मैं खुद वीडियो दे देता हूँ, ले जाओ पढ़ लो, क्या दिक्कत है, इन लोग को देते हैं और ना पढ़े बात अलग है। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि YouTube चैनल पर आना बहुत ज़्यादा पैसा है। बस मैं सर के पास इसलिए आया था क्योंकि सर का एक छोटे से गांव में होकर 40,000 की YouTube फैमिली कर चुके हैं और अपना एक ऐप बनाकर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। 42,000 हाँ वही सर, मतलब अच्छा खासा इस समय सब्सक्राइबर हो चुका है और एक गांव अपने गांव में इतना कोई किसी का सब्सक्राइबर नहीं होगा। सब्सक्राइबर है पर, हाँ वो पर स्टडी चैनल में बहुत कम सब्सक्राइबर मिलता है, किसी का नहीं हमको लगता है ना भैया। तो गाइस सर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सर को सपोर्ट कीजिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।